जी तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे सो वेलकम टू जी एस अकेडमी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर सेवन की फोर्स एंड प्रेशर इस चैप्टर के तमाम एम सी क्यूज फिलिंग दी ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम हल करेंगे सो so, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जी जो स्टूडेंट पहला सवाल ये किया जा रहा है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इसमें से ठीक जवाब पर जो है आपने टिक लगाना है इन सर्कल करना है उसको सर्कलिंग का मतलब होता है आपने दायरा लगाना मतलब है एस आई यूनिट मतलब है एफ का मतलब है सिस्टम आई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर वो आपने बताना है तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो याद रखिएगा दैट इज बेसिकली पास्कल सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल है वेन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज इट एक्सर्ट्स यानी अगर हम सेम अमाउंट की फोर्स लगाएं मुख्तलिफ जगह पर तो वो क्या करेगी तो इसका जवाब रहेगा स्टूडेंट्स हाई प्रेशर ऑन स्मॉल एरिया सो इन सर्कल द सी वन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला सवाल ये किया जा रहा है अ प्रेशर ऑफ टेन न्यूटन पर मीटर स्केयर इज इक्वल टू टेन न्यूटन पर मीटर स्केयर कितने पास्कल्स के बराबर होगा सो स्टूडेंट्स इसका जवाब जो है वो पास्कल होगा सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सो इन सर्कल द ए आंसर चलते हैं अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट्स अगला सवाल किया जा रहा है फोर्स ऑफ एटीन हंड्रेड न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द दर्फस एरिया ऑफ जीरो पॉइंट जीरो मीटर स्केयर द प्रेशर एक्टेड बाय द फोर्स विल बी एक जो अठारह न्यूटन की अठारह सौ न्यूटन की फोर्स है वो एक्ट कर रही है सरफेस एरिया दे दिया गया है तो प्रेशर जो है वो क्या होगा यानी ये एक नूमेरिकल है जिसको हल करने का कहा गया है क्या आपके पास एक मुतलका जगह है जिसपे अठारह सौ न्यूटन की फोर्स लग रही है और जो एरिया है जिसपे ये फोर्स लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ अशारिया जीरो छः मीटर क्यूब है तो बताएं कौन सा फार्मूला होगा तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है फॉर्मूला एक्ट करेगा पी जी टू एफ ओवर ए इसमें फोर्स मालूम करनी है प्रेशर और एरिया आपको दिया जा रहा है तो अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करके इसका आंसर निकाले तो निकलेगा थर्टी किलो पासकल सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर अगले सवाल की तरफ चलते हैं पाँचवा सवाल है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ अ लिक्विड्स डिपेंड अपॉन ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है शेप ऑफ़ द दैसल साइज ऑफ़ द वैसल वॉल्यूम ऑफ द वैसल डेप्थ ऑफ द वैसल याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमेशा डेप्थ ही रिस्पॉन्सिबल होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतना हाइड्रोस्टिक प्रेशर ज़्यादा होगा सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगला सवाल किया जा रहा है पीपल ऑन हिल्स एक्सपीरियंस एटमोस्फेरिक प्रेशर याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब आप समंदर की सतह पे होते हैं तो आप पे प्रेशर कम ज़्यादा लगता है क्योंकि आपके ऊपर एटमोस्फेरिक कॉलम ज़्यादा होते हैं जब पहाड़ों पे चले जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक कॉलम जो है वो कम हो जाता है डेफ़िनेटली एटमॉस्फेयर का प्रेशर आप पे कम लगेगा तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि पीपल ऑन हिल्स एक्सपीरियंस एटमोसफेयर प्रेशर विच इज़ लेस देन द सी लेवल तो ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर होगा सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर उसके बाद अगला सवाल किया जा रहा है वेना प्लंजर ए शॉन इन अ फिगर इज़ पुस्ट यानी आपके सामने एक ये प्लंजर एक पूरा एक बनाया गया है एक डिवाइस बनाई गई है तो आप इसको ए को पुश करेंगे तो क्या होगा तो इसमें स्टूडेंट्स ये होगा कि अगर प्लंजर को ए को जो है देख रहे हैं पुश कर रहे हैं यानी यहाँ से आप हवा फेंक रहे हैं तो ए से हवा जा रही है किस में बी और सी में तो लिहाजा बी और सी ये बी का जो पिस्टन है ये भी बाहर की तरफ आ जाएगा और सी का जो पिस्टन है ये भी बाहर की तरफ आ जाएगा तो इसमें ऑप्शन बी है बोथ बी एंड सी विल मूव आउट इक्वली सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर उसके बाद सवाल किया जा रहा है गैस इन अ कंटेनर डेवलप्स प्रेशर ड्यू टू एक जो गैस होती है कंटेनर में वो प्रेशर कैसे डेवलप करती है तो याद रखिएगा जो गैस कंटेनर के अंदर मौजूद होती है उसके में अंदर कंटेनर में जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे टक्कर बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो गैस का कंटेनर है इसमें पार्टिकल्स आपस में टक्कर मार रहे हैं टक्कर की इंग्लिश जो है वो कल्यूजन होती है तो क्लियन ऑफ मॉलिक्यूल विद ऑफ द कंटेनर क्लीन ऑफ मॉलिक्यूल विद अदर वेट ऑफ द गैस एंड कंपोजिशन ऑफ द गैस तो इसमें सही आंसर जो हम देखेंगे गैस एंड कंटेनर डिवेल्स प्रेशर ड्यू टू क्लूजन ऑफ मोिक्यूल्स विद ईच अदर एंड क्लूजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद द कंटेनर तो ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेशर उ क्रिएट होते हैं जब आप कंटेनर से ये मोलिक्यूल एनर्जी ले लेते हैं तो लिहाजा ए ऑप्शन भी किसी हद तक ठीक रहेगा लेकिन सबसे ज़्यादा सूट अभी जो कर रहा है वो बी ऑप्शन कह रहा है लिहाजा बी इज द राइट आंसर सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर अगला सवाल है एज वी गो अप इन एयर जैसे कि हम हवा में ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए डेफिनेटली एयर कॉलम कम होता चला जाता है तो इसलिए प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए कम होना चाहिए सो एटम प्रेशर डी क्यू बी ऑप्शन इज द राइट आंसर सो इसका जवाब बी होगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट सवाल किया जा रहा है वट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मइयर हाइट हाइट को मैयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है तो याद रखिएगा हाइट को मैयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है ऑल्टीमीटर सो सी ऑप्शन इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज़ ऑल्टी मीटर क्योंकि ऑल्टीमीटर बेसिकली ऑल्टीट्यूड लफ्ज़ जो है वो ऊँचाई का लफ्ज़ होता है तो ऑल्टीट्यूड मैयर करने के लिए ऑल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एम जो हमने डेलिबरेटली हल किए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग सबसे पहले फोर्स एरिया प्रेशर हाइड्रोलिक्स और निमोटिक्स या नमेटिक्स इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो चलते हैं डेफिनेशनों की तरफ जी तो स्टूडेंट्स पहले डेफिनेशन का जवाब ये रहेगा फ़ोर्स इज एन एजेंट विच ब्रिंग्स अ चेंज और ट्राइज टू ब्रिंग अ चेंज ये फोर्स एक ऐसा एजेंट होती है एक ऐसा एक ऐसी एजेंट की उर्दू कर लें क्या होगी एक ऐसी ताकत होती है कह लें जो ब्रिंग कि ब्रिंग्स करेगी चेंज यानी कि तब्दीली रोनमा करेगी या फिर कोशिश करेगी कि तब्दीली रनम हो जाए जैसे कि आप हाथी को उठाने की कोशिश करेंगे तो ये आप समझ लें कि आप ट्राइज टू ब्रिंग अ चेंज हो जा रहे हैं फिर अगर आप एरिया की बात करते हैं डेफिनेशन की तो स्पेस अपॉन विच फोर एक्ट्स इज कॉल्ड एरिया द स्पेस अपॉन विच तो स्टूडेंट्स यहाँ फोर्स आएगा बेसिकली अब ठीक हो गया सो द स्पेस अपॉन विच फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड एरिया एरिया को ऐसे जाहिर करते हैं प्रेशर क्या है जी प्रेशर इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर ले लें डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं पूरी प्ले के अंदर मैंने पूरी बुक की वीडियोज़ बना रखी हैं ढेरों आप उनको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स अगली डेफिनेशन रहेगी हाइड्रोलिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज लिक्विड्स थ्रू पाइप्स एज सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स तो लिहाजा आप अगर किसी लिक्विड पे प्रेशर लगा रहे हैं और फिर उस लिक्विड से काम ले रहे हैं इस इस तरह की ब्रांच में हम हाइड्रोलिक्स की स्टडी करते हैं और पाइप्स में लिक्विड को डालकर ये काम बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है आजकल आप देखते हैं कि जो बुलडोज़र हैं वो कितना ज़्यादा वजन उठा लेते हैं इधर उधर कर देते हैं तो वो हाइड्रोलिक्स की बुनियाद पर है भारी भरकम दरवाजे हिल जाते हैं खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली फिर है न्यूमेटिक्स न्यूमेटिक्स क्या है ये वो ब्रांच की साइंस है ओहो साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज गैस यानी कि आपने हाइड्रोलिक्स में लिक्विड को प्रेशराइज़ किया है पाइप्स के अंदर और निमेटिक्स के अंदर आप गैस को प्रेशराइज कर रहे हैं और गैस से काम ले रही हैं मोशन वगैरह क्रिएट करके चलते हैं अगले सवालों की तरफ सोर्स अगले सवाल किए जा रहे हैं ब्रीफ आंसर्स देने हैं आपने तमाम छः सवालों के तो इन छः सवालों के ब्रीफ आंसर्स क्या होंगे उनकी बात कर लेते हैं तो पहला सवाल है गिव कॉमनली यूज यूनिट फॉर फोर्स तो स्टूडेंट्स पहला जो जवाब है इसका यूनिट फॉर फोर्स न्यूटन रहेगा और न्यूटन का सिंबल जो है वो एन होता है उसके बाद सवाल है गिव दी कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ एरिया तो एरिया के लिए हम मीटर स्केयर का इस्तेमाल करते हैं फिर यूनिट ऑफ प्रेशर की बात पूछ रहा है तो प्रेशर का यूनिट याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर स्केयर होता है या फिर पास्कल होता है और ये बात तो आपने 100% याद रखनी है कि वन न्यूटन पर मीटर स्केयर जो है वो हमेशा वन पासकल के बराबर होता है जी तो प्यारे बच्चों अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं स्ट्रेट पासकल्स लॉ तो पासकल्स लॉ क्या है इसमें ये है कि फ्लूड्स इनक्लोज्ड इन अ वेसल एग्जर्ट प्रेशर विच इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन पासकल ये कहता था कि अगर आपके पास एक नाली है और उस नाली के साथ आपने बहुत सी नालियाँ कनेक्ट कर दी हैं तो जो प्रेशर आप यहाँ लगाएंगे वही सब नालियों में प्रेशर एक्सर्ट होगा तो इसका कानून था अगला सवाल है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर में क्या फ़र्क होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इसमें फ़र्क करना है आप तो लिक्विड प्रेशर को आपको पता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं विच इनक्रीज विद द डेप्थ जो कि गहराई से बढ़ता है ऑफ़ द लिक्विड इन कंटेनर जैसे कि आप that, समंदर की सतह पे हैं और समंदर की सतह पे गोता लगा कर आप अंदर चले जाते हैं समंदर के तो जितनी गहराई में चले जाएंगे आप उतना ही प्रेशर आप पे बढ़ता चला जाएगा याद रखिएगा जितना समंदर का कॉलम आपके ऊपर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर आप पर होगा इसके अलावा अगर आप बात करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर की तो ये होता है हवा का प्रेशर आपके फेफड़ों पर आपके जिसम पर लिहाजा वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया यानी कि जो हवा का एक कॉलम है आपके सर पर इस वक्त जो टॉप ऊपर तक जाएगा जहाँ तक हवा रहती है तो ये आपके ऊपर जो एक कॉलम है हवा का ये आप पे क्या लगा रहा है प्रेशर लगा रहा है तो ये प्रेशर का कह लें कि एक यूनिट है जिसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है इसको ए से भी जाहिर किया जाता है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं द वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगले सवाल की तरफ चलते हैं तो स्टूडेंट्स अगला सवाल ये है कि इन द फिगर शॉन बिलो इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लोवेस्ट कहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तस्वीर में सबसे कम होगा तो ये तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है अब बताएँ कि प्रेशर सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर होगा तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा प्रेशर सी पॉइंट पे होगा क्योंकि ऊपर आपको एयर कॉलम बहुत बड़ा नज़र आ रहा है बी पे प्रेशर सी की नस्बत कम होगा क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा और ए और बी का प्रेशर तकरीबन थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है आपको ये थोड़ा सा नीचे है सबसे कम प्रेशर डी पर होगा क्योंकि आपको जो ऊपर एयर कॉलम नज़र आ रहा है वो एयर कॉलम जो है वो बिल्कुल ही छोटा सा है देखें तो जितनी हवा आपके सर पर कम रहेगी ऊपर उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर का कम रहेगा तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे लिख देंगे कि लोकेशन डी इन द फिगर इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लोएस्ट यानी लोकेशन डी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर लोएस्ट है चलते हैं अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट्स अगला सवाल ये किया जा रहा है कि एक्सप्लेन किया जाए फॉलोइंग को यानी नीचे दिए गए इनको एक्सप्लेन करो वाटर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर और एरोसोल्स ये सब क्या होते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले वाटर प्रेशर की बात कर लेते हैं आप सबको जैसे पता ही है कि अगर मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की कि अगर समंदर से आप गोताखोरी कर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं समंदर के तो फिर क्या होगा कि थोड़े अरसे बाद जैसे अंदर अंदर, अंदर आप डेप्थ में जाते जाएंगे तो आप पे प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि वाटर कंटेन्स कंटेन्ड इन अ टैंक एक्जर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स वॉल के जो पानी टैंक में होता है वो वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा होता है वाटर प्रेशर ऑफ अ टैप डिपेंड्स अपॉन दी हाइट ऑफ वाटर टैंक वाटर टैंक जितना लंबा होगा उतना ही उसकी जो टूटी है दैट इज़ टैप बेसिकली उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा अबव द ग्राउंड फ्लोर और ये भी एक वजह रहती है कि अगर ज़मीन से ऊंचाई पर आप रखेंगे टैंक को तो तभी प्रेशर बन जाता है सो so दिस प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू दी पाइप्स पाइप्स के थ्रू भी प्रेशर जिस तरह आपको याद है कि आपके घर की जो टंकियाँ हैं वो छत के ऊपर टॉप पर रख दी जाती हैं टेंकी से पानी पाइप्स में आ जाता है और पाइप से प्रेशर से आपके नलकों में निकलता है बाहर वॉशरूम में या किचन में जहाँ पर भी आपने टैप्स दिए हुए हैं सो ड्यू टू दिस वाटर प्रेशर स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप ऑन ग्राउंड टॉप होगा यहाँ पे ये लफ्स तो स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम आर टॉप ऑन ग्राउंड फ्लोर इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम दी बल्कि सॉरी ये टैप ही होगा यानी कि ये बात कर रहे हैं कि जो टैप आपका ग्राउंड फ्लोर पे है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा जो कंपैरेटिवली टैप आपका अपर स्टोरी में है तो ग्राउंड फ्लोर वाले जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे कंपैरेटिव विद दी अपर फ्लोर वाले उसके बाद अगला सवाल है स्टूडेंट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है तो एटमोसफेरिक प्रेशर ये होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर ये होता है कि द वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन दी अर्थ इज़ कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर ये डेफिनेशन एटमोस्फेरिक प्रेशर की द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमोस्टिक प्रेशर इज कॉल्ड द ए टी एम वन ए टी एम इज वन वन थ्री थ्री हंड्रेड थ्री जीरो टू कर लें वन वन थ्री ओ टू पासिकल्स या फिर आप इसको किलो पासिकल्स में कर लें पॉइंट यहाँ लगा दें तो थ्री वन पॉइंट थ्री किलो पासिकल्स हो जाएगा दैन इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर द मेजरिंग ऑफ एटमोसफेयर प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर याद रखिएगा ये बोर्ड में आपको एम सी क्यू भी आ सकता है प्रेशर को मैयर करने वाला आला जो है वो बैरोमीटर कहलाता है उसके बाद एक और आपके पास क्वेश्चन किया जा रहा है वट आर एरोसोल्स स्टूडेंट्स ऐसे सब रे जो कि मुजर सेहत हैं एटमोसफेयर के लिए उसको एरोसोल्स कहते हैं द प्रोडक्ट्स ऑफ सोल सिस्टम आर कॉल्ड एरोसोल्स ये सोल सिस्टम अब क्या होता है सोल सिस्टम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर दे आर यूज्ड इन एयर फ्रेशनर्स इंसेक्ट रिपेलेंट्स हेयर स्प्रेज एंड स्प्रे पेंट्स तो इनमें से ये एयरोसोल्स निकल आते हैं और ये ऊपर आपके जो एटमोसफेयर में ओजोन लेयर है उनको भी बड़ा तबाह करते हैं ख़राब करते हैं क्योंकि एटमोसफेयर में ये सस्पेंड रहते हैं ऐसे सोल्यूशंस या ऐसे गैस पार्टिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपकी हवा में रहें और हवा में रहकर उसको नुकसान भी पहुंचाएं इनको एरोसोल्स कह सकते हैं आप तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सप्लेनेशन इन तमाम uh, की की वर्ड्स की टर्म्स की वाटर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एरोसोल्स अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ तो स्टूडेंट्स अगला सवाल ये किया जा रहा है डिस्क्राइब एन एप्लीकेशन ऑफ पासिकल्स लॉ So तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ के लिए हम इस जवाब की तरफ चलते हैं हाइड्रोलिक जैक का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि पास लॉ को अप्लाई किया जाए अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन विच प्रोड्यूस प्रेशर ऑन दिस ऑयल ऑयल दिस प्रेशर पी इज़ ट्रांसमिटेड टू लार्ज सिलेंडर फिट विद अ पिस्टन अ लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाई प्रेशर पी एट बिगर पिस्टन सो विच मे बी यूज टू फिट सम वेरी हैविली सच एज़ कार तो स्टूडेंट्स ये आपका इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जैक सिस्टम जो कि पासकल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है एप्लीकेशन के लिए एक मरतबा फिर आप स्क्रीन पे इसकी तस्वीर देख सकते हैं अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक ऑयल टैंक है और फोर्स जो है वो ये स्मॉल पिस्टल से लगाई जाती है तो ऑयल टैंक ये बेसिकली प्रेशर क्रिएट कर रहा है और फिर स्मॉल जो फोर्स ये स्मॉल अंदाज में लगती है तो ये वाली फोर्स मिलाकर दोनों फोर्सेज इकट्ठी हो जाती हैं तो दैट मेक्स एन सो ईजी फॉर दी कार हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो लिहाजा ये जैक सिस्टम जो है इस्तेमाल होता है पास्कल्स एप्लीकेशन की मदद से हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से किस कार को अपलिफ्ट करें फोर्स वन यहाँ से लगी थी तो फोर्स टू यहाँ से लग रही है तो यहाँ पर आप कह लें कि इस तरीके से आप इन दोनों फोर्सेस को जो है इस्तेमाल करते हुए कम फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाकर भारी भरकम चीज़ों को उठा सकते हैं स्टूडेंट्स लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन 7.6 पॉइंट सिक्स डिस्क्राइब द यूज ऑफ नोमैटिक सिस्टम इन डेली लाइफ तो स्टूडेंट्स नोमैटिक सिस्टम इन डेली लाइफ को समझने के लिए आप ये फॉलो कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक टायर्स आर इन्फ्लेटेड विथ कंप्रेस्ड एयर स्प्रे गन्स आर यूज कंप्रेस एयर फॉर स्प्रेइंग पेंट्स Compressed एयर इज़ यूज इन यू नो एयर पावर टूल्स लाइक हैमर्स ड्रेल्स इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ए एयर ब्रेक सिस्टम इन हैवी वहीकल्स तो इसका जवाब रहेगा तो ये या आपने याद कर लेना स्टूडेंट्स तो ये थे हमारा आज के वीडियो आई सो so, आपके सारे सवालों के जवाब हमने बता दिए होंगे एंड uh, मजीद अगर आपको सारे चैप्टर्स के जो सवालों के जवाब चाहिए तो आप जी एस अकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है उसमें सारी वीडियोज़ मौजूद हैं सीक्वेंस के साथ मौजूद हैं आप उन वीडियोज़ को फॉलो करके अपने तमाम सलेबस से प्रॉपरली रोशनास हो सकते हैं सवालों के जवाब देख सकते हैं समझ सकते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपको मुस्त जवाब दिए जाएँ जिसमें कोई गलती ना हो दैट्स इट थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी अल्लाह हाफ